हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चोबे स्टेडियम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नोटिफिकेशन पता ही चल गया होगा कि अभी हम इस वीडियो में बताने क्या वाला हूँ कि एटीएम बीटीएम स्टेनो लेखपाल की भर्तियों के बारे में बताना होता है। मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका आ गया। अब इसमें बातें करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एमपी स्टेट के बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन चेक क्या चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले का मैंने वीडियो 2 अपलोड कर चुका हूँ इससे रिलेटेड, तो आप लोग उसमें नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए बीटीएम के लिए एमएससी का पीजी का डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसके साथ ही साथ आपके पास उसमें कार्य अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस, और एटीएम के लिए कोई एक्सपीरियंस के काम नहीं है इसमें। बस आपके पास एटीएम के लिए ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और जो स्टोनोग्राफर है और अकाउंटेंट लेखपाल की है उसके लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप उसमें एम काम बी काम और इसके साथ साथ क्षेत्र के जो जिस क्षेत्र में आप काम, जैसे स्टोनोग्राफर में उसमें उसका कार्य अनुभव होना चाहिए, और लेखपाल के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड कार्य होती है उसके पास उनके पास एक्सपीरियंस 2 से 3 सालों के मिनिमम होनी चाहिए, तब जाकर के इसके लिए एलिजिबल होंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो एटीएम बीटीएम के स्टूडेंट है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास आईसीएआर से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है वही लोग स्टूडेंट कर सकते हैं, प्राइवेट वाले यूनिवर्सिटी वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। अब मैं बता दूँ कि इसके साथ साथ जो अदर स्टेट के लोग हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अदर स्टेट के क्यों नहीं कर सकते, इसलिए कि ये केवल जो भर्ती है पर्सनल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही भर्ती है, और इसमें जो भी भर्ती भरिएगा फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास मध्य प्रदेश के मूल निवासी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, तो केवल एमपी स्टेट वाले ही इसमें एसएमएस करें, कमेंट करें, इससे अदर वाले जो बार बार फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमारा अदर स्टेट से होगा कि नहीं होगा, तो अदर स्टेट वाले की इसमें कोई भूमिका नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश का है। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, तो एक लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।